नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है टमाटर और पुदीने की चटनी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। जल्दी से बन जाती है और आपके खाने का टेस्ट बढ़ाती है। अगर आपके पास खाने में कुछ ना हो, रोटी है, पराठा है, सब्जी दाल ना हो, तो आप झटपट ये चटनी तैयार कर लीजिए। आपके खाने का स्वाद बढ़ा देगी और मुँह का जायका बहुत ही बढ़ जाएगा। देखते हैं इसमें लगने वाली सामग्री। हमने 2 से 3 टमाटर लिए हैं, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। जीरा लिया है, स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। 2 से 3 हरी मिर्ची ली हुई है, 2 से 3 लहसुन की कलियां हैं, ये स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। अगर आपको इसका स्वाद नहीं पसंद है तो आप लहसुन का यूज़ ना करें। और पुदीने की पत्तियाँ लिए, लगभग 1 कटोरी हमने पुदीना लिया है, जिसे धोकर साफ कर लिया है। शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले डालेंगे हम टमाटर, अब डालेंगे पुदीना, जीरा डाल देंगे, जीरे से चटनी का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। एक से दो मिर्ची डालेंगे, अगर आपको तेज पसंद है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। लहसुन की कलियाँ 1 से 2 डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर पुदीना की चटनी देखिए ग्राइंड हो चुकी है अच्छे से। अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। खाने के लिए ये एकदम तैयार है, बहुत ही जल्दी से बन जाती है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगी। आपका मुंह का टेस्ट एकदम ही बढ़ जाएगा। मेरे इस YouTube चैनल को देखते रहिए, मैं आपके लिए नई नई रेसिपियाँ लाती रहूँगी। और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।